अब चमक गए भाई हमारे घर, इतना ही बचा है भाई। ला खा ले आओ, घाट घाट कर दो भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी एकदम बड़े हैं। तो दोस्तों अभी सुबह करीब 9 बज रही है और आज की ब्लॉग शुरुआत हो रही है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों फिलहाल सफाई सफाई हमने कर ली है और आप लोग को वेदर दिखाया था, वेदर आज का कुछ इस प्रकार का है, एकदम क्लियर है मौसम, नीला नीला और कहाँ आसमान। तो ये नज़ारा है अभी सुबह सुबह बस स्टेशन का। तो ये है हमारा बस स्टेशन गैरसैंण। तो दोस्तों फिलहाल हमारे पास बहुत सारे मोबाइल रिपेयर के लिए आ चुके हैं, दो मोबाइल मैंने यहाँ पर खोल के रखे हुए हैं। इस पर मैंने फोल्डर लगा दिया और इस पर ये वाटर में जा रखा है पानी में, तो इस पर अभी काम चल रहा है और इस पर भी डिस्प्ले चेंज होनी है, डिस्प्ले चेंज कर दिया है और चेक करने रखा है, इसका फोल्डर चेंज हो गया है, इसको चेक कर रहा है, हो गया। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नाश्ता करने, नाश्ता में है छोले और साथ में है समोसे, क्योंकि भूख लग गई थी ना। ये देखो भाई, दो गेस्ट आ गए हमारे, दिव्या और बबली, हाँ जा रखे मार्केट घूमने काफ़ी दिनों बाद। तो ये है भाई दिव्या की फ्रेंड निकिता, जिसने हमारे लिए कपल भेजे थे इस साल दिव्या के लिए, बट खाए मैंने भी, थैंक यू भाई हैं। तो दोस्तों फिलहाल दोपहर की बज रही है 2:25, फिलहाल भेजे तो लंच करके आ चुका है रूम से और बट अब है मेरी बारी, तो चलो चलते हैं रूम पे, आज लंच मार रखा है दिव्या ने। क्या हुआ? मेरे लिए ही? अरे मैं क्या करता सेब का, हाँ भाई घाट घाट कर दो भाई। ये देखो भाई कैसे कर रहे हैं, कुरकुरे कुरकुरे खाओ, चिप्स खाओ। ये है भाई कुल्फी, मोवा कुल्फी, इतना ही बचा है भाई। ला खा ले आओ, बाकी सब मैंने खा लिया। तो दोस्तों लंच में है चावल और कड़ी और ये कल की रात की बची हुई सब्जी कटहल की, ये दोनों खूब हंस रहे। कड़ी बना रही है बात निकेता ने, वो बोले कोई कमी होगी तो माफ करना बस। देखो रे भाई इसकी थाली देखो, बहुत बड़ी प्लेट है, ज्यादा नहीं हो रहा है तेरे को। तो दोस्तों फिलहाल लंच भी हो गया है, तो चलो चलते हैं शॉप पे और शाम को मैंने गाँव में जाना है आज। धूप इतनी तगड़ी लगी हुई ना, सीधा आंखें बंद हो रही भारत। तो दोस्तों अभी अभी हमारा एक पार्सल आ रखा है हल्द्वानी से, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेगा शिवू भाई। मोबाइल जैसे ये कुछ स्पीकर है ना, गैस भी है नीचे। तो दोस्तों ये मंगाया था हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, हल्द्वानी में डिलीवरी किया था इसको, क्योंकि यहाँ ये डिलीवरी नहीं हो रहा था, भाई था हमारा जो सामान भेजता हमको वहाँ से, तो उनके नाम से आ गए थे। तो ये हमारी ब्रिटेन गैस, मतलब हम जल्दी साहब नाइट कैंपिंग करने वाले हैं, क्यों भाई आएगा ये? तो ये हमारे साथ दो बार आ चुका है कैंपिंग में, भैया आज इसकी छुट्टी पड़ी है, फिर भी बोले मेरे को कैंपिंग में जाना है, कैंपिंग में जाना है, भैया चलो बोल कैंपिंग में कब जाए बोल, इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है भाई तेरे को? मुझे बहुत मजा आता है कैंपिंग में और भैया को फुल सपोर्ट करना। तो ये हमारे चार बोतल गैस के, तो एक बोतल चलता है 5 घंटे। ये देखो भाई प्रेशर वाल सारे साथ, एक पानी की बोतल फ्री, ये भी बढ़िया है। तो दोस्तों फिलहाल इवनिंग का समय हो चुका है 7:28, तो अब करते हैं गांव जाने की तैयारी, और गांव जाने वाले दादी के लिए जलेबी, मम्मी के लिए जलेबी और गोविंद भी आ रहे हैं गाँव, विजय तो शायद अकेले रहेगा भाई यहाँ पे है ना, विजय आज यहाँ अकेले है, तो चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जलेबी लेने मम्मी के लिए और दादी के लिए, उनको जलेबी काफ़ी पसंद है। हिल अभी बनने हमारे लिए गरम गरम जलेबी, ये देखो भाई मेरे से बाद में आए, बोले हम बल पहले हैं, पहले बस जलेबी मेरे को मिलना चाहिए। किसको मिलेगी जलेबी पहले? जी मिलेगी पहले, नंबर में रहा भाई। एक किलो
देखो तो भैया भाग गए। अब आएगा तुम्हारा नंबर। तो यहाँ पे कभी कभी जलेबी के लिए नंबर लगाना पड़ता है, कभी कभी नहीं रोज लगाना पड़ता नंबर, जलेबी पूरी नहीं पड़ती यहाँ पे। हो गए थे यार जलेबी ले आए मैं। चलो भाई अब चलते हैं, सारा सामान पैक हो गया है। ले आई ये देखो भाई दिव्या ने आम लेने गए थे, आम लेने आम खाने का मन कर रहा है। बल कितना लाई? एक किलो एक किलो आम 80 रुपए का है पर 100 रुपए की लाई बल। क्यों अच्छा ये काम एक्स्ट्रा लाई? मैं सोच रहा क्या हो गया ऐसे। गोविंद आगे जा रहा है चाचा जी की कार में। दिव्या ने बोले यहाँ पे कहीं पे कपल भेड़ रखे है, जब सुबह आए थे ना गैर से तो दिव्या ने कहा कि मैंने बोले कपल भेड़ रखे है जल्दी जाएंगे, बट जल्दी हुई नहीं। कपल के पेड़ भी नहीं दिख रहे आप। सब पेड़ बोले एक से दिख रहे, सब एक से दिख रहे हैं रात को, क्या करें। ये है ये तो बांस का पेड़ है, क्या होल अब। अरे ए भाई गोविंद उतर गए यहाँ पे। धन्यवाद थैंक यू बहुत ये कुछ अच्छा बबली सो बबली बोले। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं और हमने गाड़ी कर दी है पार्क और यहाँ से जाएंगे हम ट्रैक करके गांव के बीच ही बीच ऊपर। तो हम पहुँच गए हैं घर पे हैं वो। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, मिट्टी वाला घर है हमारा सुंदर सा। एक गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है ये वाला कमरा। और ये हमारा बाहर का डाइनिंग हॉल, ये है गेस्टों के लिए। और यहाँ मम्मी बना रही है छाछ। ये देखो तुम बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही, यहाँ से आपको गैरसन भी दिख रहा होगा। वो देखो वो रहा गैरसन जहाँ बहुत सारी लाइट दिख रही होगी आपको। ये देखो सामने चांद दिख रहा है आज बहुत सुंदर सा बड़ा साइज में। ये दिख रहा है यहाँ से विधानसभा। तो दोस्तों ये है विधानसभा, लाइट दिख रही होगी आपको, काफी टॉप में है ना, मस्त लग रहा। ये दीदी की बस बानी है। ये देखो भाई ऐसे बंदी है छांस, अभी दिव्या सीख रही है। अब चमक गए भाई हमारे घर। तो दोस्तों आप देखो क्या जबरदस्त लग रहा हमारा डाइनिंग हॉल। अब मैंने बाहर की लाइट भी ऑन कर दी। मम्मी ने रोटी बना दी है और ऊपर से लगी है छाछ बनाने और पापा को लगा दिया यहाँ सब्जी बनाने में। मेरी फेवरेट भुजिया भाई ये कड़वा करेले, पापा तो अपने लिए ऊपर भी खाना। ये देखो भाई मम्मी ने ताजा ताजा मक्खन दे दिया हमको। अब खाते हैं जलेबी दूध के साथ। तो दोस्तों फिलहाल डिनर भी हो चुका है और समय भी हो गया है 10:05। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू आप वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।